Many are called, but few are chosen. Ever heard this proverb? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। मैं हूं आपका मेंटर शिवांश मसीन। दोस्तों, why do traders fail? Traders fail क्यों होते हैं स्टॉक मार्केट? अगर आप लोग बिगनर हैं या फिर अगर आप लोग रेगुलरली ट्रेड करते हैं और अगर आप लोगों को रेगुलरली लॉसेस बुक करने को मिलता है, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तो उसके पीछे ऐसे 9 रीजन है, मल्टीपल रीजन है, बट मैं आपके सामने 9 पॉइंट्स पॉइंट आउट करने वाला हूं। जो आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप लोग लॉसेस से भी बच सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको शुरुआत पे एक लाइन बताई थी, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। सो इसका मतलब क्या, क्या आपने इस लाइन के बारे में कभी पढ़ा है? यस, दिस इज सर्टनली ट्रू फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो। ठीक है, कुछ सब लोग आते हैं मार्केट के अंदर बट कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। एंड इनफैक्ट इसके ऊपर एक रूल भी है, 90-90-90 रूल। यस, 90-90-90 रूल क्या कहता है? दैट इज 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ देयर मनी इन 90 डेज। यस, सो ये लाइन से आप लोगों को पता चल गया होगा, दैट इज 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज देयर मनी 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ देयर मनी इन 90 डेज। सो इस चीज को, ये जो स्टार्ट्स है, इसको कैसे राइट करा जाएगा? बिकॉज मार्केट पे कोई भी नया आता है, हम लोग थोड़े टाइम बाद यही सुनते हैं कि उन्हें लॉसेज होना स्टार्ट हो गए एंड उन लोगों ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। सब लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार से अगर हम लोग बात करें या रिलेटिव से बात करें कि हम लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो वो लोग भी हमें यही कहते हैं, क्या सट्टा बाजार में काम कर रहे हो, वहां पर बहुत रिस्क है, आपके सारे के सारे पैसे डूब सकते हैं। हम लोग भी खेल के आए हैं और हमारे भी डूब चुके हैं। तो ये सारी वर्डिंग्स क्यों बोलते हैं वो लोग और क्यों मार्केट में उन लोगों को लॉसेस होता है फिर वो दूसरों को सलाह देते हैं? तो ये सारी चीजों से आप लोगों को बचाने के लिए मैं 9 ऐसे रीजन लेकर आया हूं जिसकी वजह से आप लोग मार्केट में मनी को लूज करते हैं। वो 9 रीजंस के बारे में बात करेंगे एंड उसे इंप्रूव करने की भी आप लोग कोशिश करिएगा। अगर एक्स्ट्रा रीजन आप लोगों को लगता है कि और भी कोई है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। तो और फर्स्ट रीजन इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस आप लोग मार्केट पे बहुत ज्यादा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग नए ट्रेडर है, अगर आप लोग बिगनर है, आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या देखते हो, आप लोग मेनी नोटबुक्स को रीड करते हो, कोई भी बुक्स को रीड करते हो, सक्सेस स्टोरीज को देखते हो, या फिर आप लोगों ने कोई शो देख लिया मार्केट से रिलेटेड, या फिर आपका कोई फ्रेंड बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है स्टॉक मार्केट पे, तो आप लोग एक्सपेक्टेशंस लगाना स्टार्ट कर देते हो कि ये चीज हम भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस लगाना अच्छी बात है बट उसे इंप्लीमेंट करना, एक्शन लेना उस पर, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और वो ही 90% ट्रेडर्स नहीं कर पाते। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। रिसेंट अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं, हर्षद मेहता का जो सीरीज आई थी उस पर हम लोगों ने देखा था कि मेनी ट्रेडर्स और बहुत ज्यादा अकाउंट भी हम लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए हमें देखने को मिले थे जब हर्षद मेहता की सीरीज आई थी। तो आप लोग एक्सपेक्टेशंस तभी बनाया करिए जब आप उस पे एक्शन कर सके या वर्क कर सके एंड तभी आप लोगों को फायदा होगा। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा बिल्कुल भी मत रखिएगा। ये पहला रीजन है जिसकी वजह से मार्केट पे ट्रेडर्स फेल होते हैं। और सेकंड इज नॉट हैविंग अ प्लान। आप लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं होता कि किस तरीके से हमें मार्केट को इन्वेस्ट करना है, मार्केट पे ट्रेड करना है। इफ यू फेल टू प्लान, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये वर्ड्स कहा थे, इफ यू आर फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। गाइस, तो इसी हिसाब से ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान रिजल्ट्स और इनकर्ड इन लॉसेस। तो आप लोगों के पास जब तक एक ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा तब तक आप लोग लॉसेस ही बुक करते रहोगे। तो इसीलिए आप लोगों को एक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए, एक अच्छा सा प्लान चाहिए जिसे आप फॉलो कर सके। एंड कोई भी एक प्लान पे आप लोग पूरा भरोसा मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, ठीक है, मार्केट हमारी दोस्त नहीं है। तो हम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करनी पड़ती है जब मार्केट का साइक्लिकल बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ठंड आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बारिश का सीजन आता है, तो उसी तरीके से मार्केट के भी सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें भी अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तो नॉट हैविंग अ प्लान इज अ वेरी रिस्की और इसी की वजह से मेनी ट्रेडर्स लूज करते हैं। अ थर्ड रीजन इज नॉट टेस्टिंग योर प्लान। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मान लेते हैं कि आप लोगों के पास प्लान भी है,
तो आप लोग उसे टेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग उस प्लान को सीधा इंप्लीमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब वीडियो पे आज कोई वीडियो डाले कि ये पर्टिकुलर सिस्टम है, ये स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छी वर्क करती है, मैं रेगुलरली वर्क करता हूं, आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, और आप लोग सीधा उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग कोई भी टेस्टिंग नहीं करेंगे अपने प्लान के ऊपर या आपने जो भी चीज कर रखी है, ठीक है। तो बिना आंख बंद करे आप लोग कोई भी चीज पे भरोसा मत करिए, सबसे पहले टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग करिए, एंड उसी के बाद जाके आप मार्केट पे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा फोर्थ रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट के अंदर फेल होते हैं। अब फिफ्थ इज इमोशंस, दिस इज द बिग वन। यस, सबसे ज्यादा होता है मार्केट पे जो मनी लूज होती है ट्रेडर्स की तरफ से, दैट इज द इमोशंस। इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर प्ले करती है, रोल को प्ले करती है, जिसकी वजह से हम ट्रेडर्स अपने मनी को लूज करते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रेडिंग प्लान भी बना लेते हैं। हम लोगों के पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, सॉरी, हम लोग बैक टेस्टिंग नहीं करते, जब हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं होता ऑपरेट करने के लिए, तो हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं मार्केट के अंदर। और कौन से टाइप के इमोशंस होते हैं, फियर, गुड, ग्रीड, होप, एक्साइटमेंट, बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन, मेनी टाइप ऑफ आपके पास इमोशंस होते हैं जो आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, और वही रीजन होते हैं जिसकी वजह से मार्केट पे आप लोग लॉसेस इंकर करते हो। अगर मैं रिजल्ट बताऊं आप लोगों का इमोशंस का, इन इमोशन से क्या रिजल्ट निकलता है, ट्रेडिंग टू मच, आप लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर दो या तीन ट्रेड करने पड़ते हैं तो आप 10-12 ट्रेड ले लेते हैं मार्केट के अंदर, लेटिंग योर लूजर्स रन एंड कटिंग योर अर्ली विनर्स। आप लोग लूजिंग ट्रेड्स जो होते हैं आप उन्हें होल्ड करके रख लेते हैं, लूजिंग ट्रेड्स को कभी भी होल्ड करके नहीं रखना चाहिए अगर आपकी एनालिसिस सही है, ठीक है। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी को बिल्ड करा है, ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी को बिल्ड करा और आप देख रहे हो कि स्ट्रैटेजी में मुझे लॉसेस भी हो रहे हैं, मुझे प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे हैं, बट जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो प्रॉफिट साइड में सबसे ज्यादा है, तो जब भी आपको स्ट्रैटेजी से लॉस हो रहा हो, सो ट्राई टू कट योर लॉसेस अर्ली, उसे होल्ड करके मत रखिएगा, बिकॉज आपको पता है कि स्ट्रैटेजी अगर लॉस दे रही है तो वो लॉस देती जाएगी, अगर प्रॉफिट दे रही है तो वो प्रॉफिट देती रहेगी एट द एंड ऑफ टाइम, जो भी आपके टारगेट्स होते हैं, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग आप लोग करने लग जाते हैं, क्या होता है अगर आप लोगों को लॉसेस बुक हो जाते हैं तो उसे कवर करने के चक्कर में आप लोग मार्केट से फ्रस्ट्रेशन है तो आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओवर लेवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अभी 100 शेयर्स बाय करे हैं और आपको 5000 का लॉस हो रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं मेरे को एक शेयर और मिल जाए, मैं 1000 क्वांटिटीज बाय करूंगा एंड मुझे ज्यादा क्वांटिटी में कम प्रॉफिट में भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, यही इमोशंस की तरफ रोल प्ले करते हैं और आपकी जो पूरी कैपिटल है वो वैनिश हो जाती है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। एंड आवर सिक्स्थ इज ईगो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज ईगो। द मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू रिमेन सोवियट, तो ये एक लाइन है, ये लाइन आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। आप मार्केट से कॉम्पिटिट करने के बारे में कभी मत सोचेगा, आप ये मत सोचेगा कि आई एम ऑलवेज राइट, आपको यही रखना है कि मार्केट इज ऑलवेज राइट, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एनालिसिस और योर प्रेडिक्शन, अगर वो रॉन्ग जा रही है तो आप उसे कट करिए बिकॉज मार्केट उसे और नीचे लेकर जा सकती है। तो यहां पर ईगो प्रॉब्लम जो आपके पास आ जाती है कि मार्केट, हम लोग ऑलवेज राइट है, कभी भी मार्केट आपको नीचे फेंक सकती है और आप लोग लॉसेस बुक कर सकते हो, तो इस हिसाब से ईगो को बिल्कुल भी नहीं रखनी, और इसी की वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट पे मनी को लूज करते हैं। और सेकेंड वन इज लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आप लोग कोई भी चीज को समझने से पहले, कि बहुत यहां पर बात बोली गई थी कि शेयर मार्केट बहुत बड़ा कुआं है, ठीक है, एक्चुअल में शेयर मार्केट बहुत बड़ा कुआं है, आप जितना नीचे जाते रहेंगे आपको वो नीचे जो तट होता है वो नहीं मिलेगा, डेप्थ आप पूरी कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसी वजह से आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना समझ में आएगा, और अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे शेयर मार्केट पे, अगर आपने कोई कंसेप्ट समझ लिया उसी कंसेप्ट को 10 साल तक फॉलो करते हैं तो वो वैसा नहीं होगा, जैसे जैसे मार्केट अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे आपको भी अपने लाइफस्टाइल, ट्रेडिंग लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही आप लोग ट्रेड करने में कामयाब नहीं हो पाते एंड आप लोग लॉसेस को बुक कर लेते हैं। सही जगह से राइट एजुकेशन लीजिए एंड वहां पर आप उसे ही इंप्लीमेंट करिए। क्या होता है जनरली, मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी यही बात बताता हूं, चूज ओनली वन मेंटोर। होता क्या है मार्केट के अंदर, सबकी अलग अलग एनालिसिस होती है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट को,
वो लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स की तरफ जाते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं एंड उनकी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इन द एंड वो लोग लॉस इनकर करते हैं एंड मेंटोर्स को बोलते हैं कि उनकी वजह से हमें लॉस हुआ। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आप लोग मल्टीपल मेंटोर्स की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, आपके स्कूल में दो मैथ्स के टीचर हैं, अब एक मैथ्स के टीचर आपको अलग तरीके से पढ़ाता है, दूसरा आपको अलग तरीके से पढ़ाता है। अगर आप एक एक दिन करके उनसे पूरे साल पढ़ोगे, इवेंचुअली मैं आपको कह सकता हूं कि आप लॉस सॉरी आप फेल होके डेफिनेटली आओगे या फिर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम होंगे। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करनी है। सेलेक्ट ओनली वन मेंटोर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको रेगुलरली आपको कुछ अपडेट्स दे रहा है एंड उसी को फॉलो करिए, उसी से सीखने की पूरी कोशिश करिएगा। और सेकेंड वन इज स्टार्टिंग कैपिटल टू लो। स्टार्टिंग कैपिटल टू लो, आप देखते होंगे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट सेक्शन पे भी रिक्वेस्ट आती थी एंड जब मैं कोर्स प्रोवाइड कराता था तो मेरे पास तब भी आती थी कि सर हमारी कैपिटल बहुत कम है, तो मैं उन लोगों को डायरेक्टली मना कर देता था कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करवा पाऊंगा। कैपिटल कम होने से बेसिकली होता क्या है, आप लोगों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि मुझे अपने अकाउंट को बहुत जल्दी ही जल्दी ग्रो करना है, ठीक है, एंड वो ग्रो के चक्कर पे आप लोग मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो, बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हो, हाई लेवरेजेस ले लेते हो, उसकी वजह से आप लोगों का पूरा कैपिटल वैनिश हो जाता है। अब एक बात समझेगा, अगर आपके पास लाख रुपए है तो आप लाख से 1,10,000 बना सकते हो, ठीक है, तो आपको 10% मिल रहा है। अगर आपके पास 10,000 है और आप 10,000 से 1,000 बना रहे हो तो वो भी 10% होता है। सिर्फ बात यह आती है कि कैपिटल उस पे हाई है तो हमें प्रॉफिट भी हाई मिल रहा है, बट अगर आप परसेंटेज वाइज चेक करेंगे तो परसेंटेज वाइज 1,000 रुपए या 10% भी कम चीज नहीं होती है। तो गो विथ परसेंटेज। अगर आप लो कैपिटल में भी ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी मत सोचेगा कि मुझे एक ही दिन के अंदर या एक महीने के अंदर अपने अकाउंट को डबल कर लेना है। आप परसेंटेज वाइज जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप मंथली बेसिस पे अगर आप 10,000 बीस मेस करते हैं, मंथली बेसिस पे एम लेकर ये चलिए कि मुझे 5% अर्न करना है अपनी कैपिटल का, ठीक है। अगर आप 5% हर मंथली ग्रो करेंगे डेफिनेटली आप इन द लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे प्रॉफिट पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एंड आर सेकंड लास्ट पॉइंट इज इंडिकेटर ओवरलोड। क्या होता है, आप लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हो, मल्टीपल इंडिकेटर्स को पुट कर ले तो आपका जो चार्ट होता है वो बिल्कुल इंडिसाइसिव हो जाता है, मतलब विजिबल ही नहीं होता आपके चार्ट्स पे, आपका प्राइस एक्शन आपकी कैंडल्स विजिबल ही नहीं होती है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड्स लेते हो। बहुत ज्यादा तो लोग मैंने देखा है आरएसआई लगा लेते हैं, मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं, बोलिंगर बैंड्स लगा लेते हैं, एमएसीडी लगा लेते हैं, वॉल्यूम तक लगा लेते हैं, पिवट पॉइंट्स लगा लेते हैं एंड उसके बाद वो चार्ट्स शेयर करते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है। सिंपल क्लियर प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं कर रहा हूं 2 से 2.5 साल से ट्रेड और मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं। मैं YouTube वीडियोस पे भी आप लोगों को रेगुलरली प्राइस एक्शन ही बताता हूं, उस पर आपको समझाता भी हूं कि ये स्टॉक मैं आप लोगों को क्यों सजेस्ट कर रहा हूं। सारे प्राइस एक्शन से रिलेटेड होते हैं, नो इंडिकेटर ऑफ यूज। सो यहां पर आप लोग सिंपल फ्रेश रखिया करिए, क्लीन रखा करिए अपने चार्ट्स को एंड उस हिसाब से आपके पास एक माइंड में कंसेप्ट आ जाएगा कि मुझे इस बेसिस पे देखकर ट्रेड लेना है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आर लास्ट पॉइंट जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द नेक्स्ट शाइनी ऑब्जेक्ट। यस, द नेक्स्ट शाइनी ऑब्जेक्ट। होता क्या है, आप लोगों ने ट्रेडिंग प्लान भी डेवलप कर लिया, ठीक है, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान भी है, आप लोगों ने उसे बैक टेस्ट भी कर लिया, आपने सारी चीजों को फुलफिल कर लिया। होता क्या है, जब आप लोग ट्रेड करने जाते हो तो आप कोई नई स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करा, आपने कोई एक ट्रेडिंग प्लान बिल्ड करा, आपने टेस्ट भी कर लिया, उसे बैक टेस्टिंग भी कर ली, फिर आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात ही ले लीजिए, अगर मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर हूं और मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी जिसमें मैंने बोला दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे और 99% आपको प्रॉफिट होता है, तो आप क्या करोगे, आप मेरी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे बिना बैक टेस्ट करे और इवेंचुअली वो आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म अगर लॉसेस बुक करती है तो आपने अभी तक ये भी नहीं देखा कि जो आपने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई थी और जिसे आप मल्टीपल बार बैक टेस्ट कर चुके हो, जो आपको रेगुलरली प्रॉफिट दे रही थी, आपने उसको छोड़ के आप कोई नई शाइनी ऑब्जेक्ट पे चले गए जो आपको लग रही थी कि ये अच्छा होगा। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए बोला गया था एक मेंटोर को पकड़िए। हो सकता है कि दूसरा आपको अच्छा पढ़ा रहा हो, फिर तीसरा आपको और अच्छा लग रहा हो, तो चूज करिए, सेलेक्ट करिए एक को एंड उसी पे पूरा फोकस करिएगा, एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड करिए एंड उसी पे पूरा इंप्लीमेंट करिएगा, डेफिनेटली आप लॉन्ग रन पे प्रॉफिट अर्न करते हुए चलेंगे।
तो ये थे कुछ हमारी एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे, कुछ पॉइंट्स थे। इसकी वजह से ही मार्केट पे ट्रेडर्स बहुत ज्यादा मनी को लूज करते हैं। आई थिंक कि मैंने इन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को सारी नॉलेज प्रोवाइड करवा दी होंगी, रीजंस प्रोवाइड करवा दिए होंगे। सो आपकी स्टोरी क्या है, आपकी स्टोरी क्या है? अगर आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो आपने क्या ये रिकॉग्नाइज करे ये फेलियर्स को? अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल है? तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर हमें सारी चीजें बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं शिवाज बसीन मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।